पॉलिटिकल गपशप चैनल सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हर वर्डिक्ट का सम्मान करता है, लेकिन बीइंग एन इंडियन सिटीजन कुछ क्वेश्चंस मन में आते हैं रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट केस जो कि अजीत भारती पर चल रहा है। मैं ये वीडियो अजीत भारती के सपोर्ट में बना रहा हूँ। देश के माननीय अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने स्वरा भास्कर, प्रशांत भूषण, मिस्टर कामरा, इन सबों पे केस चलाने की अनुमति तो नहीं दी कि उन पे कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का केस चलाया जाए, लेकिन उन्होंने एक राष्ट्रवादी पत्रकार डू पॉलिटिक्स चैनल के पत्रकार अजीत भारती पे केस चलाने की अनुमति जरूर दे दी। ये बड़ी ही विडंबना है कि जो महारथी, जो महापुरुष लेफ्ट के तरफ लीन होते हैं, जिन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, लेकिन हमारे अटॉर्नी जनरल, रिस्पेक्टेड अटॉर्नी जनरल ने उन पे केस चलाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती पे केस चलाने की अनुमति जरूर दे दी है। ये रहा वीडियो, जिस वीडियो के कारण आज अजीत भारती पे सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट केस चलाना शुरू कर दिया है। मैं सबसे चाहूंगा कि आप जाकर एक बार वीडियो को जरूर देखें। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अजीत भारती जी ने कई जगहों पे अपनी सीमा को लांघा है और ऐसा लगता है कि शायद वो कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है, और ऐसा ही कुछ कामरा से लेकर, स्वरा भास्कर से लेकर प्रशांत भूषण तक ने किया है, लेकिन उन पे नहीं चला, लेकिन चला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस सिर्फ और सिर्फ अजीत भारती पे। लेकिन मैं उस वर्ड पे नहीं जाना चाहता जिसके कारण आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है, लेकिन उसमें, उस वीडियो में दिए गए कुछ फैक्ट्स पे जरूर जाना चाहता हूँ। इस वीडियो में अजीत भारती ने बताया कि कैसे पहले के चीफ जस्टिस ने भी ये बताया है कि हमारे देश में अभी भी 2 से 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और कैसे कोई भी, सारे चीफ जस्टिस ने ये कहा तो है लेकिन किसी ने किया नहीं है, और जो कि फैक्ट है, जो कि फैक्ट है कि आज भी इतने केसेस पेंडिंग हैं। क्यों हैं? माननीय जजेस ये नहीं बताते हैं। पब्लिक फोरम में ये तो जरूर बताते हैं कि इतने केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन उसका समाधान कैसा होगा नहीं बताते। इसमें उन्होंने कॉलेजियम को लेकर बोला है, उनके शब्द कुछ अमर्यादित हो सकते हैं, लेकिन क्या ये सही नहीं है? इसी कॉलेजियम को ठीक करने के लिए 2016 के आसपास में एक बिल आया था ताकि कॉलेजियम व्यवस्था को पुनः गठन किया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे दरकिनार कर दिया और इसे असंवैधानिक बिल करार दे दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ जजों का अधिकार सिर्फ कॉलेजियम ऑफ जजेस के पास ही है। अजीत भारती ने अगर ये पूछा है कि सर किसान प्रोटेस्ट 9 महीने पहले से चल रहा है और रास्ते पर चल रहा है, आपने एक दिशा निर्देश दिया था कि कोई भी धरना सार्वजनिक स्थलों पर नहीं हो सकता, और दिल्ली में इसके लिए एक व्यवस्था अलग से की गई है कि आप वहां जाकर, उस मैदान में जाकर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, 9 महीने हो गए हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही गाइडलाइंस का पालन कर दिया होता तो शायद ये 9 महीने प्रोटेस्ट नहीं चलता रोड पे और लोगों को तकलीफ नहीं होती। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी के दिए हुए रिपोर्ट को भी दबा दिया है। आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को उजागर क्यों नहीं करता और पब्लिक डोमेन पर क्यों नहीं लाता कि उन्होंने जो कमेटी गठित की थी इस किसान आंदोलन के समय पे, उस कमेटी ने रिपोर्ट क्या दी है? उस कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने तक यहां तक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट शुड पब्लिश दिस रिपोर्ट। 9 महीने हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। शायद सुप्रीम कोर्ट भी ये वेट करना चाह रही है कि कब ये आंदोलन ढीला पड़ जाए और स्वतः ही खत्म हो जाए, कि सुप्रीम कोर्ट को इस आग में अपना हाथ न जलाना पड़े। कुछ ऐसा ही शाहीन बाग आंदोलन के समय पे भी हुआ था, उन्होंने मीडिएटर नियुक्त किए, उससे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उस आंदोलन को सड़कों से हटाकर मैदान में ले आ जा सके। मैं यहाँ आंदोलन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आंदोलन सड़क पे ना हो इसका गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग आंदोलन के मसले पे जजमेंट कब दिया? जब सरकार ने कोरोना के कारण शाहीन बाग को खाली करवा लिया और कहें स्वतः खाली हो गया, क्या यह सही नहीं है? सो कल अर्बन नक्सल के खिलाफ जब केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट एक दिन में सुनवाई करता है, लेकिन किसी और के खिलाफ नहीं हो पाता। ये हार्ड फैक्ट्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि एड्रेस करे। दूसरों को बेल बहुत इजी मिल जाती है, लेकिन क्या औरों को बेल इतनी इजी मिलती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा है? ये सबको पता था कि रिपब्लिक मीडिया के केस में स्टेट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, वो उसके खिलाफ पड़ गई थी। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखा? ऐसे ढेरों और दर्जनों में ऐसे मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ के मामलों में तो बहुत ही जल्दी दिखाता है, लेकिन एक तरफ के मामलों में उसे कुछ जल्दी ही नहीं दिखती है। सिर्फ 2 महीने हुए हैं पेगासस केस सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, और उसी 2 महीने में लगभग 4 हियरिंग्स हो चुकी हैं, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे सेंटर को कहा है कि वो अपना एफिडेविट सबमिट करें। सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में तो स्वतः संज्ञान लेता है,
लेकिन कुछ मामलों में वो भूल ही जाता है कि उसे संज्ञान भी लेना है। लेकिन क्या कोई एक्शन हुआ केरल के सरकार के खिलाफ? बकरीद से लेकर आज तक लगभग रोजाना 20,000 केस केरल में आ रहे हैं, जो कि मोर देन 50% ऑफ द केसेस हैं इंडिया के टोटल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? क्या वो स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते कि आखिर क्या मुद्दा है? क्या उन्हें सिर्फ दिल्ली का ही दिखता है कि दिल्ली में मुद्दा हुआ तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा? ये कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं जो शायद अजीत भारती ने कुछ ज्यादा ही हार्श तरीके में, और मैं कहूं कि कट्टू शब्दों में कहा है। और जिस शब्दों में कहा है वो शब्द सही नहीं है, वो शब्द मर्यादित नहीं है, लेकिन उसके पीछे की छुपी हुई मंशा, जो वो कहना चाहते थे, वो सारे सही हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक सर्वे करवा ले कि लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में सोचते क्या है, शायद उससे भी उनको अंदाजा लग जाए। और देश में इस समय सरकार है राष्ट्रवाद की, जो वो कहते हैं, लेकिन एक राष्ट्रवाद का पत्रकार के ऊपर क्वांटम टफ केस चला दिया, लेकिन स्वरा भास्कर जो हर दिन बुराई करती है इस सरकार की, उस पर नहीं चलाए। क्यों? इमेज ना खराब हो जाए। प्रशांत भूषण, इमेज ना खराब हो जाए। कामरा, जो हर दिन रात नरेंद्र मोदी जी को कोसते हैं, लेकिन उन पे केस नहीं चल सकता। लेकिन जो पत्रकार राष्ट्रवादी है, अगर उसने दो शब्द अमर्यादित भी कह दिए, तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस के लिए के वेणुगोपाल जी ने अनुमति दे दी, हमारे अटॉर्नी जनरल ने अनुमति दे दी। मैं और मेरा पॉलिटिकल गपशप चैनल टोटली इन सपोर्ट ऑफ अजीत भारती। सर, आप आगे बढ़ो। जी हाँ, आपके भाषा और शब्द कुछ अमर्यादित थे, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपने जो जो पॉइंट्स रेज किए हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट को एक बार तो देखना ही चाहिए कि क्या ये जो पॉइंट्स रेज हुए हैं, क्या ये सही है या नहीं है। ये सबको पता है कि 4,000 फैमिली हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल सिस्टम सिर्फ 4,000 फैमिली से ही आज तक के सारे जजेस निकले हैं। क्यों? हमारी आबादी 137 करोड़ है और उसमें सिर्फ 4,000 फैमिली से ही जज निकलते हैं। आई सपोर्ट अजीत भारती, डू यू? अगर आप भी सपोर्ट करते हैं अजीत भारती को, कमेंट करना ना भूलें। डू कमेंटिंग, आई होप ही विल गेट स्ट्रेंथ कि वो और भी अच्छे कंटेंट ला सकें। और हाँ, थोड़ी भाषा मर्यादित में रखकर। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।